माशाल्लाह हर चीज़ रेडी हो चुकी है, उन बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप साहब? मैं मीका दी, आप साहब कैसे होंगे? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, यार आने वाली दुख तकलीफ तो निजात दे। ऐसे तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, शुरू करते छोटी जल्द करते हैं। जिन्हें मेरे भैन भी साढ़े नवे ने जिन्हें साढ़े साजदा फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बैल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि सारी आने वाली है नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन तेरे को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में कुछ इस तरह जी, शाम का खाना बना रहे हैं, मेरी भैन भी मेरे नाल रहना, ना अं खाना बनाने ना अपने भैन भी शेयर करते हैं। तो मेरे भैन भी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं सब तो पहले अपने भैन भी का शुक्रिया अदा करूँगी। अब थोड़ा जिन्हें गला खराब हो मैं अपने भैन भी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरे भैन भैया ने मेरे बच्चों वास्ते बहुत ज़्यादा दुआवा भी कीतियाँ और अच्छे अच्छे कमेंट भी भेजे, वो मैं अपने भैन भैया नाल अलग तो बैठ के वीडियो शेयर कराँगी। तो अमन जी बना लें, खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मैं लसन सब तो पहले ऐड कर दिता वा, जिमें गर्म होएगा थोड़ा जहाँ लसन फ्राई होएगा, फिर बिच मैं प्याज ऐड कराँगी। मैं क्या शाम के खाने में लैके आए थे जैन के पापा पेठा कद्दू, मैं क्या चलो पेठा कद्दू बना लें, नाले अपने बहन मेरे शेयर कर दे। तेज गर्म हो रहा लसन जरा ब्राउन हो रहा वा, उस तो पहले नाल ना भी मैं आटा छान लो, आटा छान के आटा गूंगी। मेरे घर में इन्हें यह जरूर सोच दिया होंगे कि सब्जी ज़्यादा वा तो जी कम सब्जी इस तो ज़्यादा वा कि अब मतलब कि किसी के घर जाना थोड़ा जहा सालन, इस करके मतलब कि किसी के नसीब आए सालन के बच्चे, तो इस करके मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। तो मैं क्या चलो जो है ना मैं ज़्यादा सालन बना लेनी है, किसी ने जरूरत आ तो वो वास्ते फिर थोड़ी सब्जियाँ ज़्यादा बनाएगी। तो लेकिन उसका तो पूरा मतलब बेटा कर दूसरी दो बार मतलब दो मतलब बनना सी, तो मैं एक मतलब बना रही क्योंकि उस साल में मैं रखाँगी कुछ मैं किसी नहीं देना साल। इस करके फिर नाल नाल जी मैं आटा छान लव, आटा भी गुन लें, लसन जी हल्का ब्राउन हो गया और ये मैं सब तो पहले टमाटर और सब्ज मिर्च ऐड कर दूँगी। ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ थोड़ी देर इन्होंने पकड़ देने, फिर इन्होंने पाउडर मसाले ऐड करा। माशाल्लाह जी प्याज भी ऐड कर दिते हैं और अच्छे तरीके भी फ्राई हो रहे हैं, जो फ्राई हो जाएंगे जो टमाटर गल जाएंगे फिर इन्हें पाउडर मसाले ऐड करा। पाउडर मसाले अच्छी जी काली मिर्च, हल्दी, नमक, रेड मिर्च, खुश्क धनिया पीसिया हुआ। मैं जी पीजे नाल आटा गुला इन्हें फ्राई होंगे होंगे, आटा में छान के को रख लिया वा, तो आटा गुल लवा फटाफट, पानी भी को रख लिया। माशाल्लाह जी सा बिल्कुल जो टमाटर प्याज अदरक लसन हर चीज गल गई है, ये मिक्स हो चुके हैं, जी पाउडर मसाले ऐड कर दें। आटा भी मैं तकरीबन तैयार हो गया, मैं नाल ही पाउडर मसाले ऐड कर दें, थोड़ी देर मजीद इन्होंने भुना, भुनने तो बाद सब्जी ऐड करा। हल्का जहा पानी लगाने, पानी लगा के फिर अच्छे तरीके बनाई करा। ये टमाटर नज़र आ रहे हैं, ये सोचना कि टमाटर है, टमाटर का छिलका क्यों साल बिल्कुल अच्छे तरीके तैयार हो रहे, और आटा भी मेरा गुल चला वा तो मैं डब्बे पाने, आटा भी मैं डब्बे पा लिया और
और मैं सब्जी ऐड करती हूँ राइच सब्जी जी मैं ये ऐड कर देती है। ये हूँ मैं ये ऊपर दिनी ढक्कन मजीद अच्छे तरीके पक जाए तो हलवा कद्दू है बेठा कद्दू है बिल्कुल कम हो जाता सालन है पूरा सी लेकिन मेरे घर की सब्जी तो दो मतलब बननी सी तो फिर इस करके मैं दो घर हाँ चलो मैं पूरा ही बना लेनी है लेकिन कढ़ाई की जरूरत के मुताबिक थोड़ा जिन्ना ज़्यादा लेकिन पक के बिल्कुल कम हो जाना इन्ना ज़्यादा नहीं है ये ऊपर दिने ढक्कन एन मजीद पकन देने माशाल्लाह गैस भी फुल आ रहा वा जो जरूरत तो नहीं जो गैस आता नहीं अभी माशाल्लाह गैस बिल्कुल फुल आ रहा आयल डब्बे पाया पैकेट आयल खत्म सीगा डब्बे मैं चलो डब्बे आयल पा दें आटा जरा गुजा हुआ वा आटे को मैं चक के बाहर रख दी बाहर रख के फिर रोटी बनाने किचन च रोटी नहीं बनेगी बहुत ज़्यादा गर्मी जरा बाहर चुल्हा पे उत्थे बैठ के रोटी बनावेंगे माशाल्लाह जी गैस काफ़ी फुल आ रहा गैस से जान का भी टाइम हो गया वा हांडी को ढक्कन ला के देखा वा ये चलो पानी नहीं मतलब भी पानी का छट्टा भी नहीं लगाया तो शायद मेरे भैन बे सोचन कि पानी का छट्टा लगाया देखो मगे च पानी पा को रखे सुस्त तरह भरया पे लेकिन जो हलवा कद्दू होंगे ना पेटा कद्दू मेरा खुदा ही पानी बहुत ज़्यादा आता जैसे कि तोरी का तो ज़्यादा पानी है इस तरह यदा खुद पानी बेच ही मतलब कि तैयार हो गया देखो कि माशाल्लाह कढ़ाई भरी हुई सी बिल्कुल ही कम रह गया तो ईशा की अजान भी आन लग गई है तो टाइम भी काफ़ी हो गया वा ईशा की अजान सुन ली है फिर अपने बहन भी दोबारा मिल गए सालन जल्द कमी कुछ ही है क्योंकि ये पानी है पानी का बिल्कुल खुश करना हों तो बहुत ही मज़ेदार बनता सालन तो ये हाँ थोड़ी अंबी पै जाए तो मजीद मज़ेदार बनता वा लेकिन अंबी नहीं सी अंबी की जगह तो मैं टमाटर बिच ज़्यादा पाते टमाटर पाए जिद चार बड़े बड़े चार टमाटर पाए ने तो बहुत ही टेस्टी सालन बन गया खुशबू आ रही बहुत प्यारी लेकिन मजीद एक ही छोड़ता जा रहा है देखो हाँ मजीद इन होर ही बनाई करा भुना गए अच्छे तरीके तो फिर जाके तैयार होएगा हरे मजीद तैयार नहीं हो कढ़ाई भरी सी इस करके मैं ज़्यादा बनाया सी है तो पूरा पेठा सी इस करके मैं ज़्यादा बनाया सी मैं क्या सी कि बिल्कुल पक के सालन थोड़ा जिन्ना बन जाता हाले भी इन्हें मजीद कम होना इस तरह कढ़ाई उपर तिकर भरी सी सह नहीं आ रहा तो हूँ बिल्कुल सालन कम हो गया तो चलो खैर थोड़ी देर और भुना गए आहिस्ता आहिस्ता घे छोड़ती जा रही सब्जी देखो जी मजीद थोड़ी देर होर बनाई करा बनाई करने तो बाद फिर मैं इन्हों पावगी ये मेरा पतीला है ही सालन वास्ते मोबाइल भी मेरा इत रखा जैन ने शर्फ के उपर ये जी मेरा मोबाइल है फोन सुन वास्ते खैर तो ये वाला जो पतीला ये मैं सालन पावगी तो मैं लिया ही सालन पाने वास्ते है चलो पा के मैं सालन बीच ला दिता मैं ढक्कन भी है तो देश निकाल के ये चैर कर कुछ बर्तन धोने वाले कट्ठे हो गए ना तो बर्तन भी धोनी है मैं बर्तन भी धोनी है और सालन भी देख लें सालन देख लें सालन बहुत प्यारा टेस्ट बन गया बहुत प्यारा प्यार हो गया और हूँ मैं बर्तन वाश कर दी मैं धोती हूँ बर्तन तू धोनी चलो फिर सलाम तो बुला लो अपनी भैन भैया ना फातिमा पढ़ती आई है तो पढ़ाई तुम पता फिर बंदा वैसे ही थक जाता वा पढ़ पढ़ के बर्तन धो रही है मेरा सालन भी रेडी हो गया मेरे बाद उन्हें बर्तन धो धो के रखने शुरू कर दिते ने तो मैं हूँ बर्तन का काम रहेगा बाद में सालन हो गया बिल्कुल रेडी तो बिल्कुल देखो जी ये छोड़ गया बहुत अच्छा बन गया कि मैं निकाल दी हूँ और कुछ इस डब्बी लो जी सालन साड़ा हो गया बिल्कुल तैयार चूल्हा मैं काफ़ी नीचे बंद और सालन निकाल के सब तो पहले
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਆਇਲ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਠਾ ਕੱਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਰੰਗ ਵਾਪਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡੱਬੀ ਸਾਲਨ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਲੋਈ ਸਾਲਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਲਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸਮਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਭ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੀ।